नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोजशाला में सर्वे पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता काजी मोइनुद्दीन की अपील खारिज कर दी गई है। काजी मोइनुद्दीन हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं थे, हाईकोर्ट में जाकर रख सकते हैं अपनी बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है। तो ये बड़ी खबर मुस्लिम पक्ष की तरफ से, काजी मोइनुद्दीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भोजशाला में चल रहे सर्वे को रोकने की मांग की गई थी, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता काजी मोइनुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बताइए इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे वो काजी मोइनुद्दीन, वो दरअसल हाईकोर्ट में इस मामले में पक्षकार नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल उठाया कि आप हाईकोर्ट में इस मामले में पक्षकार नहीं थे, मूलतः यह आदेश हाईकोर्ट का है। हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे करने का निर्देश दिया था और 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। अभी भी मामला हाईकोर्ट में लंबित है। तो ऐसे सूरत में बिना हाईकोर्ट में पक्षकार हुए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्हें हिदायत दी है कि अगर वो चाहें तो हाईकोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि इससे पहले सोमवार को जो एक याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर तो रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन ये कहा था कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी बिना कोर्ट की इजाजत के। साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ किया था सोमवार को दिए आदेश में कि वहां पर सर्वे के दौरान खुदाई का कोई काम नहीं होगा। और कोर्ट ने जो सभी पक्षकार हैं जिसमें एएसआई, केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार, उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 4 हफ्ते के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लगना है। तो दोनों जगह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद इस याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि ये हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं थे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप अपनी बात रखना भी चाहते हैं तो हाईकोर्ट में रखें, सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनवाई नहीं कर सकता। ठीक है अरविंद सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।